हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। आई एम सत्य विजय तिवारी। तो पिछले वीडियोज़ में पढ़ने देखा था सुपरपोजिशन थ्योरम, थैबनिन थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ठीक है, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपन, नॉर्टन थ्योरम देखते हैं। नॉर्टन थ्योरम क्या होती है? चलिए पहले थैबनिन थ्योरम क्या होती थी। एक RTH होता था और उसमें एक वोल्टेज सोर्स, ये RTH होता था आपका और इसमें VTH होता था। ये थी आपकी थेवेनिन थ्योरम, वोल्टेज के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका एक आइडियल करंट सोर्स होगा, मतलब ISC शॉर्ट सर्किट, और उसके साथ ही पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस को आप RTH ही बोल सकते हैं, ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस ही बोल सकते हैं। तो उसमें क्या था, वोल्टेज सोर्स और सीरीज में रेजिस्टेंस। नॉर्टन में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स निकालेंगे अपन, जिस टर्मिनल के अक्रॉस लोड दिया होगा, और RTH निकालेंगे। तो देखते हैं इसमें कैसे निकालेंगे अपन। क्या बोलती है, यानी इन एनी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट हैविंग मोर नंबर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN। मतलब करंट सोर्स पैरेलल में रेजिस्टेंस, ये होती है आपकी नॉर्टन थ्योरम। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये कोई क्वेश्चन देके रखा है, इसमें फाइंड करंट इन 1 ओम रजिस्टर बाई यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। 1 ओम रजिस्टर में आपको करंट फाइंड करना है नॉर्टन थ्योरम से। तो देखते हैं इसमें करंट, सबसे पहले शॉर्ट सर्किट करंट कैसे फाइंड करेंगे, जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना है, उसको आपने सबसे पहले क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट करंट। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, आप इस नेटवर्क को रिड्यूस किया तो 6 ओम और 3 ओम ये है पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 × 3/6 + 3 मतलब 18/9 = 2 ओम हो गया इसका इक्विवेलेंट, और 2 ओम ये हो गया, तो 2 और 2 4, ये 4 ओम इसके साथ पैरेलल में है। तो यहाँ पर करंट आपका 18 आ रहा था, टोटल 18 आ रहा था, 4 में 9 चला गया और जो रिमेनिंग 4 था उसमें 9 चला गया, ठीक है। तो 9 एम्पियर आपका आ रहा है यहाँ से टोटल यहाँ तक। अब आपका 9 एम्पियर करंट भी अलग अलग डिवाइड हो रहा है 6 और 3 में, 6 और 3 में। तो शॉर्ट सर्किट करंट आपका ये वाला होगा, तो ये करंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, करंट डिवीजन रूल से। तो कितना हो जाएगा, टोटल करंट इनटू अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस अपॉन 6 + 3 टोटल रेजिस्टेंस। तो 6 एम्पियर करंट हो गया आपका ISC। आप RTH कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अपन RN कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अपन RTH फाइंड करते थे। जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स थे उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, मतलब यहाँ पर एक करंट सोर्स था तो करंट सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब ओपन सर्किट, मतलब ओपन सर्किट, और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस 0, मतलब शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर करंट सोर्स था, इसको ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब RTH फाइंड करना है, तो RTH कैसे फाइंड करेंगे, 4 और 2 ये क्या है आपका, 4 और 2 है आपका सीरीज में, तो 4 और 2 हो गया 6, और ये 6 इस 6 के साथ क्या हो गया आपका, ये 6 इस 6 के साथ पैरेलल में हो गया, तो 6 × 6/6 + 6, और ये 3 क्या है, इसके साथ सीरीज में, तो 6 ओम हो गया आपका RTH, ठीक है। RTH हो गया और IN आपने कैलकुलेट कर लिया था, तो यह हो गया आपका IN, उसके साथ पैरेलल में RN और उसके साथ पैरेलल में लोड रजिस्टर, लोड रजिस्टर 1 ओम था आपका। तो ये हो गया आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, इसमें आपको लोड करंट फाइंड करना था। तो IL कितना हो जाएगा, ये 6 एम्पियर करंट डिवीजन रूल लग जाएगा इसमें। तो जब इसमें करंट निकालना है आपको, तो टोटल करंट 6 × अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस 6 × 6/6 + 1, तो ऐसे आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट
कर सकते हैं नॉर्टन थ्योरम से। इसमें क्या पूछ रहे हो, फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना है। तो शॉर्ट सर्किट करंट जब इसके बीच में फाइंड करेंगे तो इसको आपने शॉर्ट सर्किट एज्यूम कर लिया, ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट करंट। जब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट सर्किट का बहुत कम हो जाएगा, तो पूरा करंट इससे ही फ्लो हो जाएगा, मतलब इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। आई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। जब इसके साथ पैरेलल में शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरा करंट इससे ही ड्रॉ हो जाएगा, इसलिए आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं सर्किट में। तो इक्विवेलेंट सर्किट हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट। और इसमें आई 0 था तभी तो इसको नेगलेक्ट किया था, और ये आई डिपेंड था इस वोल्टेज सोर्स पर। तो जब आपने करंट की वैल्यू यहाँ पर 0 की, तो इसकी वैल्यू भी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, नाइन नाइन और ये यहाँ पर हो गया, तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, पूरा करंट जाएगा इसमें से। तो आप इसको भी नेगलेक्ट कर सकते हैं 9 ओम को, तो इसको भी आपने नेगलेक्ट कर दिया, तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया ये। तो इसमें ISC कितना हो गया, पूरा जो 9 एम्पियर करंट था वही आपका ISC हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट बन गया ये। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ISC। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहा है वो, फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी टर्मिनल के बीच में ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करना है और शॉर्ट सर्किट करंट। तो एज्यूम किया अपन ने VTH, तो इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज इन पैरेलल सेम, तो VTH 10 वोल्ट। जो वोल्टेज आपका यहाँ था वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, इसलिए वही यहाँ होगा। ए और बी के टर्मिनल में वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। दूसरा क्या था, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना था, तो ए और बी को आपने शॉर्ट सर्किट से डिनोट कर दिया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है आपका, इन द अबोव सर्किट इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द KVL, ये KVL को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए आप उसमें शॉर्ट सर्किट करंट नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसमें देखते हैं आगे, फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट एंड ओपन सर्किट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी टर्मिनल के बीच में शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना है और ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करना है। तो करंट क्या होता है, करंट तो आपका पूरा सेम होता है, मतलब जो ये करंट होगा इसको जब आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो सेम टू सेम 2 एम्पियर ही करंट इसमें फ्लो होगा, तो शॉर्ट सर्किट करंट हो गया आपका 2 एम्पियर। लेकिन आप इसमें VTH फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इन द अबव सर्किट इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज सिंस इट इज नॉट सेटिस्फाइंग KCL, ये KCL को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो आप इसमें VTH फाइंड नहीं कर सकते, केवल शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड कर सकते। और पिछले वाले सर्किट में आप केवल VTH फाइंड कर सकते थे, करंट फाइंड नहीं कर सकते थे। तो इसमें चलिए एक AC सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना है। तो आपने इक्विवेलेंट में क्या किया, इसको शॉर्ट सर्किट से डिनोट कर दिया, ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट से डिनोट। अब ये यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा है I1, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज 10√2 एंगल 90 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इसका। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + j1 को आप इक्विवेलेंट में कैसे लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, √2 इनका मैग्नीट्यूड, मतलब √1² + 1² तो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड √2। और एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए। बी की वैल्यू मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, 1/1, मतलब 10 इनवर्स 45। ठीक है, तो एंगल हो गया आपका √2 एंगल 45। इसको सॉल्व किया आपने तो 16 एंगल 45।
एंगल, सॉरी 10 एंगल 45, √2 √2 कैंसिल। और एंगल, एंगल क्या होगा आपका, अगर डिवीजन में है तो 90 माइनस 45 हो जाएगा, और अगर एंगल मल्टीप्लिकेशन में होता तो एंगल ऐड हो जाता है इसमें। ये डिवीजन में है तो 90 माइनस 45 45 हो गया। तो शॉर्ट सर्किट करंट कितना हो जाएगा आपका, ये करंट आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आ रहा है, और 5 एंगल 45 भी आ रहा है, तो शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगा I1 प्लस 5 एंगल 45। I1 की वैल्यू ये और 5 एंगल 45, तो 15 एंगल 45 आपका हो गया शॉर्ट सर्किट करंट। इस क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड करंट इन द 4 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ये आपको कोई डेटा दे के रखा है और इसमें 4 ओम में आपको करंट फाइंड करना है। जब वोल्टेज 60 है, करंट 0 है, जब वोल्टेज 0 है तब करंट 10 है। इससे आप क्या देख सकते हैं, वोल्टेज 0 कब होता है, जब सर्किट शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज आपका 0 होगा। और करंट 0 कब होगा, जब सर्किट आपका ओपन सर्किट हो, क्योंकि ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो वोल्टेज 0 होगा जब शॉर्ट सर्किट हो, करंट 0 होगा जब ओपन सर्किट हो। तो इससे आप निकाल सकते हैं क्या, VTH इक्वल्स टू 60। VTH कब निकालते हैं, जब करंट 0 था ओपन सर्किट वोल्टेज, तो यही हो गया आपका VTH, और ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि वोल्टेज 0 था, तो करंट आपका, वोल्टेज 0 कब होता है, शॉर्ट सर्किट में, तो ये करंट हो गया आपका शॉर्ट सर्किट करंट, और ये 60 हो गया आपका ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब VTH। तो RTH आपके पास VTH हो गया और ISC हो गया, तो इसमें आप RTH कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, VTH अपॉन I शॉर्ट सर्किट मतलब 60 अपॉन 10, 6 ओम, 6 ओम हो गया आपका RTH। तो आपने क्या बोला था, फाइंड करंट इन 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम का रजिस्टर लोड रजिस्टर था, तो इसमें आपने लगाया तो V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 60 अपॉन 10, 6 एम्पियर हो गया आपका टोटल करंट। ऐसे आप इसमें करंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो ही आपकी नॉर्टन थ्योरम की बात। चलिए एक थ्योरम और देख लेते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोलती है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये बोलती है कि हमेशा रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। मान के चलिए ये कोई नेटवर्क है, इसमें 12 वोल्ट, 12 वोल्ट हो गया आपका रिस्पॉन्स, और ये आई हो गया, इसमें आई हो गया आपका रिस्पॉन्स, और ये हो गया 12 वोल्ट एक्साइटेशन। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन हमेशा कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो इसमें आर इक्विवेलेंट निकाला अपन ने, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो 2, और ये 3, और ये 6 का एम है, पैरेलल में 3 और 6 पैरेलल में हो गए, और ये टोटल कॉम्बिनेशन 2 के साथ सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 4 ओम। और टोटल आई टी कितना हो जाएगा, 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम, 3 एम्पियर हो गया आपका टोटल। जब टोटल 3 हो गया तो यहाँ पर करंट डिवीजन अप्लाई किया, तो आई कितना हो जाएगा, 3 इंटू अपोजिट आर्म का रजिस्टेंस अपॉन टोटल, तो 2 एम्पियर। अब रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन क्या हो गया, रिस्पॉन्स कितना था आपका 2, और एक्साइटेशन 12, तो रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन था आपका 1/6। अब इसमें दूसरा केस लिया, रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन की पोजीशन चेंज कर दी, जो आपका पहले एक्साइटेशन यहाँ था वो रिस्पॉन्स की जगह पर, और रिस्पॉन्स को एक्साइटेशन की जगह पर, तो 12 वोल्ट हो गया आपका यहाँ पर और करंट हो गया आपका यहाँ पर। इसमें आपने आर इक्विवेलेंट निकाला, तो जो इसका आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 3 3 आपका सीरीज में है, और 6 और 2 पैरेलल में है, 6 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 2, और ये 3 सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट हो गया आपका ये, और टोटल आई टी कितना हो जाएगा, 12 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन फिर आप निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1/6।
मतलब इसमें भी 1/6 आया था रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन, और जब अपन ने रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन की पोजीशन चेंज कर दी तब भी आपका कितना आ रहा रेशियो, 1/6। तो ये होती है आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मतलब रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन की पोजीशन चेंज करने पर भी उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।